अगली गल जी मैं कर लगा बोल डाडी हां जी ऐसे कहते ओ जी मैं हथकड़ियां हजरत साहब लग गई तो फिर हजरत साहब हथकड़ियां लग जाएंगी मैं आख नहीं नहीं हजरत साहब तो बड़े कीमती हैं हां जी बाकी हजरत उमर हजरत खुबैब बिन अदीद हथकड़ियां लगियां लोहे में अगलिया बदया फिर एक एक जिसम का उजब कटिया उन्होंने तो जिसम लोहे के सन साहब लोहे कटते सन काफिर हां तो साडे जिसम बड़े कीमती ना उन्होंने पुत्र ना उन्होंने धियां ना उन्होंने वतन ना उन्होंने कभी भुख लगी ना उन्होंने कभी प्यास लगी कीमती तो मौली खादिम बड़ा है यदि पगड़ी खुल गई तो जनाब फिर की होना है ऐ गल असल समझण वाली इतने बड़े जलसे करण तो बाद फिर जनाब सानू जब जलूस की लोड़ पवे तो फिर बंदा इन्हें एक भी कोई ना आवे साड़िया तकरीर हाँ जी मैं तो वैसे तकरीर सुना का कोई ना कायल रहे इन्होंने लोगों के जेडे बंदे असि बुलाइए तो इन्होंने को टाइम कोई ना हो हाँ तो फिर इन्होंने रसूल उन्होंने भी कह देना बदर च असि नहीं जा सकते गल तो इंजी जदों आज भी रसूलुल्लाह दे दीन दी गल है तो फिर हुजूर दे दीन दी जदों गल होवे ते सहाबा बुढ़े भी सन तो जंग यरमूक चले गए हजरत अमर बिन मादी करब 86.5 साल उम्र सी 86.5 साल का बाबा वाल आया ही कोई नहीं होना जाया तो पता ही नहीं होना मौली खादिम गल के कर रहा बुढ़े सहाबी उसे चले गए तो उन्हें जाके घोड़े की दुम नप ली 1000 बंदे के मुकाबले चो सिपा सालार सी ते घोड़े की दुम नप के फरमाया गल बाद च होगी जना तो घोड़ा हिला के विखा मैं कहा इकबाल एक ही बनया लगा तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए की मुराद क्यों जरा इकबाल कहें थोड़े ऐ इकबाल है जरा मैं पढ़ रहा जरा तुम तो उन्होंने पीर होना जरा तो ज्यादा खुशी होनी असि इकबाल के कबर के अंदर भी जाके नारे लबैक दिलाए 10 मिनट पूरे लाए मुनीब इकबाल उदा पोतरा बार बड़ा चीखिया साढ़े मुंडे ने बड़ा चीखिया उन्हें कहा मेरा दादा दादा होगा तो काम करता अपने दादे वास्ते काम जिन्हें किया नारे वही ला इतने जनाब अरे जी बड़े का पुत्र है निके का पुत्र है मैं क्या इकबाल का पुत्र भी हो गए तो इकबाल का पुत्र बन के रहे ना 10 मिनट असि जनाब अंदर नारे लाए इकबाल की खबर लब्बैक लब्बैक मैं क्या इकबाल आज मजा आया ही कहने लगा आज ही तो आया दसो यार इकबाल ना भी उन्होंने दुश्मनी बन गई हजूर छुट्टी बहाल करानी है हां तुसी तकड़े होवो तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह नु मजबूत करो हां लब्बैक सारे बोलो लब्बैक अज कुफर तां सलामत दे असि कहने कोई दाएं वेख तो नहीं रहे भाई चौधरी साहब नारा ला रहे दो बारी अंगूठे चुमन तो बाद तीसरी बारी मौलवी अंगूठे नहीं चुमते 100 बारी कोई नोट पकड़ाए तो 100 बारी नोट पकड़ लेंदा लेकिन दूसरी बारी मौलविया के हाथ थक जाने ये मौलाना की गल मैं इस वास्ते की थी ना समझो तुम चुम दो तुम भी जल्यो कोई मौका मिले तो नहीं तो कहते हो एक बारी पहले जो चुम लिया दोबारा ना आ गया हूं मैं बार बार चुमना है ए मोहब्बत नहीं होती मोहब्बत होर शायद ओदा तालुक ही कोई नहीं तबलीग नाल ते ओदा तालुक ही कोई नहीं दसण नाल किसे मोहब्बत खुद दसदी हां मैनू मोहब्बत है उसे दलील देने की लोड़ ही नहीं पैंदी मैं आशिक़े रसूल ना ना आशिक़े रसूल उसे गल ही बिच हो रही।